हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 1 परिचय व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं अध्याय की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। तो आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक नॉर्मल वे में हम समझ लेते हैं कि किसी भी देश में कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का कितना वितरण हो रहा है और कितनी खपत हो रही है, इस सब को मिलाकर जो व्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में हो रहा है उत्पादन, वितरण और खपत की व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत मानव यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का शोषण करता है या फिर इस्तेमाल करता है। देखिए, प्रो एजे ब्राउन ने अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, जीविका यानी कि अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है और कितनी खपत हो रही है, इस सब व्यवस्था को जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है वह हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत होता है वह हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन भी साधनों पर निर्भर करता है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रो एजे ब्राउन ने अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। तो अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। देखिए, आप पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एक मैं आपको इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन बताऊंगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, ये थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, मैं इजी तरीके से आपको बता देता हूँ कि किसी भी उत्पाद या फिर वस्तु की कीमत का निर्धारण जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है वह हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है वह हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इतनी समझ गए आप इतनी बात ने कि किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है वह हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद प्रो बोर्डिंग ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष विचारों, व्यक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये उन्होंने कहा था। आप बहुत इजी तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है वह हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे कीमत का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक और नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, वस्तुओं की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्व रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। पूर्व रोजगार यानी कि पहले कितना रोजगार मिला हुआ है, कितना रोजगार प्राप्त हुआ है, उस सिद्धांत को लेकर चला जाता है। तो ये हमारी चार विशेषताएं हो गई, इनकी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आवश्यकता एवं महत्व देख लेते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक, अगर आप
व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र को समझ लेते हैं तो इससे आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का ही एक समूह है। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से ही मिलकर बनी होती है, इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो व्यक्तिगत इकाई है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीमत निर्धारण में सहायक। तो ये टॉपिक तो आपको लिखना ही है। अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र लिखने को आ गया तो आपको कीमत सिद्धांत या फिर कीमत का निर्धारण तो टॉपिक लिखना ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम वस्तुओं और उत्पादों की कीमत का निर्धारण करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन के विशिष्ट साधनों की सापेक्षिक कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। ये हमारा दो टॉपिक हो गए, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक कल्याण की जांच में सहायक। आर्थिक कल्याण की जांच में सहायक होता है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कल्याण की दशाओं के परीक्षण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियमों के निर्माण में भी सहायक है। उदाहरण के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण, मजदूरी लगान, ब्याज निर्धारण के सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र की देन है। तो ये सारे नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र की देन है। देखिए, सबसे पहले हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा समझी। परिभाषा क्या होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद हमने विशेषताएं देखी, उसके बाद हमने उसका महत्व देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अंतर्गत अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए उसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं। ठीक है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, देखिए कुल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। तो कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र के कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र के कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है हमारा। इसके अंतर्गत हम कुल रोजगार का अध्ययन करते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करते हैं, कुल राष्ट्रीय आय का उत्पादन अध्ययन करते हैं, राष्ट्र के कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण, समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसमें सूक्ष्म चरों का महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे तक दूरदर्शी सोच इसमें देखी जाती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय समस्या है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसका हल इसके द्वारा ढूंढा जाता है। यह दूरदर्शी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बड़ी इकाइयों पर ध्यान दिया जाता है। सामूहिक हितों पर ध्यान, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की अपेक्षा समूह का ध्यान रखा जाता है। देखिए, एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि एक पर्टिकुलर समूह पर ध्यान दिया जाता है। वर्तमान में विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में तत्पर हैं। वर्तमान में जितने भी विकासशील और विकसित देश हैं वह सब अपना विकास करने में तत्पर हैं। ये हमारी दो विशेषताएं हो गई। एक तो होता है व्यापक दृष्टिकोण होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बड़े स्तर का सोचा जाता है, सामूहिक हितों पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद निर्भरता, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है, जबकि समष्टि मात्राएं परस्पर इतनी संबंध होते हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम में भी परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि आपस में इंटरकनेक्टेड
रहती है। अगर एक चीज में अपन परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारी विशेषता है बृहद विश्लेषण। बृहद का मतलब होता है बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी नीतियों में? मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों में, अर्थात इसमें व्यापक विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापक यानी कि बृहद का मतलब होता है बड़ा, बृहद विश्लेषण यानी कि बड़ा विश्लेषण। तो मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसकी सीमाएं हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जिस भी व्यवस्था, संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है जिस भी व्यवस्था के अंतर्गत, वह हमारी क्या कहलाती है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उसकी हमने विशेषताएं देख ली, अब हम उसकी सीमाएं या फिर दोष देख लेते हैं। तो संरचना की भ्रांति, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भ्रांति रहती है, अर्थात कुल आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़ होता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं कि जो बात व्यक्ति के लिए सत्य है वह समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सही होगी। यानी कि आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़ होता है। देखिए, व्यक्तिगत क्रियाओं का पूरा जोड़ क्या होता है इसमें? होता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि जो व्यक्ति के लिए सत्य है वह समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सत्य हो। ये बात सत्य नहीं है कि कोई चीज़ अगर किसी व्यक्ति के लिए सत्य है, वो चीज़ किसी व्यक्ति पर लागू हो रही है, तो वह इस अर्थव्यवस्था में भी पूरी तरीके से लागू होगी, यह इसमें नहीं होता है। व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना, व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना करता है। जैसे सामान्य कीमत स्तर के स्थिर होने पर भी खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, निर्धन लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। यानी कि इसमें व्यक्तिगत जो लाभ होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं दिया जाता है, समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए व्यक्तियों की अवहेलना हो जाती है। कभी कभी उनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्तियों पर फोकस यह अर्थव्यवस्था नहीं होती है, यह पूरे समूह पर फोकस होती है। समूहों में परस्पर संबंध की अवहेलना, तो प्रो बोल्डिंग के अनुसार समूह बनाने वाले तत्व इस प्रकार नहीं होने चाहिए कि उनमें संबंध ही ना हो। देखिए, समूह ऐसे बनाए जाने चाहिए जिनमें संबंध हो, ठीक है। जैसे 6 सेब + 7 सेब + 13 सेब एक सार्थक समूह है, ठीक है। यहाँ पर दोनों सेब ही सेब हैं और फल भी हैं दोनों, तो ये हमारा सार्थक समूह होगा। दूसरा 6 सेब और 7 संतरे, तो ये भी एक सार्थक समूह है, क्योंकि 6 सेब और 7 संतरे, हालांकि सेब सेब नहीं है और संतरे संतरे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों फल हैं, तो ये भी एक सार्थक समूह हो गया। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लें कि 6 सेब + 7 मकान का समूह निरर्थक है, क्योंकि सेब फल है और मकान वस्तु है, तो 6 सेब और 7 समूह का समूह निरर्थक है, इसलिए इसमें समूहों की अवहेलना होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, समग्र में सम्मिलित इकाइयों को भार देने में कठिनाई। समग्र या औसत में सम्मिलित विभिन्न इकाइयों के व्यावहारिक महत्व समान नहीं होता है, उसमें से किसी का महत्व कम व किसी का अधिक हो सकता है। यदि हम सभी को समान महत्व दें तो हमारे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। तो समग्र में सम्मिलित इकाइयों को भार देने में कठिनाई होती है, इसमें किसी को महत्व कम मिलता है तो किसी को महत्व अधिक मिलता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे इसके दोष हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आ सकता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सूक्ष्म यानी होता है छोटा। तो क्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को हम व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और व्यष्टि को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आपको याद रखना है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसमें क्या लिखना है। सूक्ष्म किसे कहा जाता है? सूक्ष्म कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और व्यापक किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि को अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? साधन
जो होते हैं हमारे, उनकी कीमतों का अध्ययन किया जाता है, या आप बोल सकते हैं कि वस्तुओं या फिर उत्पादों की कीमतों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, और इजी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और कीमतों का अध्ययन किया जाता है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पॉइंट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो योग होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया होती है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर चीज़ें बनाई जाती हैं, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उनको विभाजित किया जाता है, एक दूसरे से उल्टे होते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख कार्य होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व राष्ट्रीय रोजगार का विश्लेषण करना है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, व्यक्तिगत फर्म यानी कि जो अपनी खुद की कंपनियां होती हैं वो उद्योगों में उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, यानी कि कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी है, अवसाद है या आर्थिक तेजी है, उस सब की व्याख्या करता है। एक बार हम फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसका नाम होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम होता है व्यापक अर्थशास्त्र। तो व्यापक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और उत्पादों की कीमत का निर्धारण किया जाता है, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है। योग जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की प्रक्रिया होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर जोड़ा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में तोड़ा जाता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म यानी कि जो अपनी खुद की कंपनियां होती हैं लोगों की, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, यानी कि छोटे छोटे फर्मों, उद्योगों में उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। जबकि जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है वह क्या करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो देखता है, आर्थिक मंदी देखता है, अवसाद व आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आर्थिक क्रियाएँ हम समझ लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएँ होती क्या हैं। तो मनुष्य की जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है वह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो मनुष्य की जिस क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, वह हमारी क्रिया क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। उसके बाद अनार्थिक क्रिया हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति के जिन कार्यों का संबंध धन से ना होता है और ना ही उसके कार्यों का मूल्यांकन धन से किया जाता है, तब उसकी इस क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। देखिए, व्यक्ति के जिन कार्यों का संबंध धन से नहीं होता है और ना ही उसके कार्यों का मूल्यांकन धन से किया जाता है, यानी कि जिन क्रियाओं का, जिन कार्यों का मतलब धन से ना हो वो हमारी अनार्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएँ क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत
आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है धन कमाना, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति के जिन कार्यों का संबंध धन से नहीं होता है और ना ही उसके कार्यों का मूल्यांकन धन से होता है, वे हमारी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। इतनी चीज़ हो गई, हमारी आर्थिक क्रियाएं समझ ली, अनार्थिक क्रियाएं हमने समझ ली। उसके बाद इनमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आर्थिक क्रिया को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जाता है, मुद्रा यानी कि पैसे। अनार्थिक क्रिया को मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं नापा जाता है, पैसों से नापा जाता है आर्थिक क्रियाओं को, और अनार्थिक क्रियाओं को पैसों से नहीं नापा जाता, क्योंकि पैसे कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है अनार्थिक क्रिया का। आर्थिक क्रिया करने से धन की प्राप्ति होती है, अनार्थिक क्रिया करने से प्रेम सद्भाव भक्ति भावना का विकास होता है, किंतु धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसका उद्देश्य ही नहीं होता धन कमाना अनार्थिक क्रिया का। अनार्थिक क्रिया में क्या होता है, प्रेम सद्भाव व भक्ति भावना का विकास होता है। वे क्रियाएँ जो धन से संबंधित होने के साथ वैधानिक होती हैं, वैधानिक यानी कि जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो धन से तो संबंधित होती हैं लेकिन वैधानिक नहीं होती हैं, वे हमारी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। यानी कि धन से तो संबंधित होती हैं, अगर आपके पास धन है तभी आप कुछ अच्छा कार्य कर पाओगे, तो वो हमारी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद उदाहरण, आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है, वकील का कचहरी में पैरवी करना, और अनार्थिक क्रिया का उदाहरण देख लेते हैं, तस्करी करना, चोरी के माल का क्रय विक्रय करना, ये हमारी अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर हमें लिखना है। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उत्त अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार किया जाता है। देखिए, केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार जिम्मेदार होती है सारी चीज़ों की, क्रियाकलापों की, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। बाजार की स्थितियों को देखकर सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व बाधित होता है, इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व बाधित होता है, प्रभुत्व यानी होता है कि अधिकार, इसमें उपभोक्ता का, देखिए बाजार उपभोक्ता के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, बाजार लगते हैं तो वो अपने लाभ के लिए लगाए जाते हैं। इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है। देखिए, केंद्रीकृत जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन जो भी होता है वो सरकारी स्वामित्व होता है, इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन कारक होते हैं उन सब पर निजी स्वामित्व होता है। इन पर हमने डिफरेंस समझ लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या फिर आधारभूत समस्याएं लिखिए। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय अथवा आधारभूत समस्याएं, आपको केंद्रीय समस्याओं से भी आ सकता है, आधारभूत समस्याओं से भी आ सकता है, आपको याद रखना है। तो अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार की हो उसके आवश्यक रूप से कुछ सामान्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। फर्गुसन तथा क्रैम्प के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को कुछ मौलिक निर्णय लेने होते हैं, उनके अनुसार ये प्रमुख तीन निर्णय हैं। देखिए, जो फर्ग्यूसन और क्रैम्प्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कुछ मौलिक निर्णय लेने होते हैं, तो उनके अनुसार क्या क्या निर्णय हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, उसे किस प्रकार उत्पादित किया जाए, उत्पादन को कौन करेगा। देखिए, क्रैम्प्स और फर्ग्यूसन ने कहा था कि कुछ मौलिक निर्णय लेने होते हैं अर्थव्यवस्था को, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, उसे किस प्रकार उत्पादित किया जाए, उत्पादन को कौन प्राप्त करे, तो ये निर्णय लेने होते हैं अर्थव्यवस्था को फर्ग्यूसन और क्रैम्प के अनुसार। उसके बाद आधारभूत समस्याएं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था पिछड़ी हो या विकसित, उसके साधन लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होंगे। अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी हो, या तो विकसित हो या फिर विकासशील हो, उसके साधन लोगों की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त होंगे। जितने भी साधन होंगे वह लोगों की जो भी आवश्यकताएं होंगी उनकी पूरी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, भारत में सभी लोगों के लिए
मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए कपड़े और खाने को अनाज नहीं है, जिसके कारण वे गरीबी के स्तर के नीचे जीवन निर्वाह करते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग के पास पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि देश में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। सबसे पहले जो ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको ही सबसे पहले हमें उत्पादन करना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट यू प्रोड्यूस। पहले हमें देख लेना चाहिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको ही हमें सबसे पहले प्रोड्यूस करना चाहिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें कम है उनको बाद में प्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे देश में जो हमारी आधारभूत समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि उत्पादन कैसे किया जाए, ये समस्याएँ हमारी किन के लिए उत्पादन किया जाए। अब हम देख लेते हैं उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तो वस्तुओं के उत्पादन के अनेक तरीके होते हैं, इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, वस्तुओं के उत्पादन के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कृषि का एक तरीका या ये है कि खेत बहुत बड़े हों और उस पर थोड़ा श्रम और पूंजी लगा कर उत्पादन किया जाए। देखिए, हम उत्पादन की प्रक्रिया पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कृषि का एक तरीका ये है, हो सकता है कि खेत बहुत बड़े हों उस पर थोड़ा श्रम और पूंजी लगाकर उत्पादन किया जाए। एक तो तरीका ये है कि हमारे पास बहुत बड़ा खेत हो, उस पर थोड़ी सी हम पैसे खर्चे करें, थोड़ी सी श्रम लगाएं और उससे उत्पादन हम लिए जाएं। और दूसरा तरीका हमारा क्या है कि खेत बहुत छोटे हों लेकिन अच्छी मात्रा में उर्वरक डाले जाएँ, अच्छी मात्रा में सिंचाई की जाए, उत्तम बीजों का उपयोग किया जाए। उत्पादन का पहला तरीका भूमि प्रदान है और दूसरा पूंजी प्रदान है। देखिए, हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हम कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, खेती का एग्जांपल लें। पहली प्रक्रिया है कि आपके पास बहुत बड़ा खेत हो, उसमें आप थोड़े से पैसे लगाएं, थोड़ी सी पूंजी लगाएं, थोड़ा सा श्रम करें और आप वहां से आप फसल प्राप्त करें। दूसरा तरीका है कि आपके पास खेती कम हो लेकिन आप उसमें अच्छी तरीके से मेहनत करें, अच्छे उर्वरक डालें, अच्छा जल डालें, उत्तम बीजों का इस्तेमाल करें। तो ये हमें पहले सुनिश्चित कर लेना होता है कि कौन सी प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। जो पहला तरीका होता है वो हमारा क्या होता है, भूमि प्रधान। दूसरा होता है पूंजी प्रधान। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात राष्ट्र के कुल उत्पादन का बंटवारा कैसे किया जाए। हम सब जानते हैं कि उत्पादन का वितरण आय के आधार पर होता है। देखिए, उत्पादन का जो भी वितरण होता है वो आय के आधार पर होता है। जिस व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में जितना प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन में उसी के हिसाब से मिलता है। राष्ट्रीय आय में जितना योगदान होता है लोगों का उतना ही उन्हें मिलता है। तो ये हमारे तीन पॉइंट होगा। उसके बाद चौथा है साधनों का पूर्ण उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक आर्थिक प्रणाली को साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या भी हल करनी होती है। देखिए, साधनों का पूर्ण प्रयोग भी नहीं हो पाता है कभी कभी, तो ये भी देख लेना होता है। एक और तो राष्ट्र के पास पहले ही साधन सीमित होते हैं। देखिए, एक तो सभी राष्ट्रों के पास, सभी देशों के पास साधन सीमित होते हैं, जो उनके पास रिसोर्सेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीमित होते हैं। अगर इनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो राष्ट्र को हानि हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें देख लेना होता है, सबसे पहले हर राष्ट्र के पास बहुत ही कम साधन होते हैं, उनका ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करने के बाद ही वह अर्थव्यवस्था को चलाए रखता है। तो हमें पहले देख लेना है कि साधन हमारे पास कितने हैं, उनका अच्छी तरीके से हमें उपयोग करना है। अगर हम उनका अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो हम उन साधनों को भी खो सकते हैं। अगर देश में उपलब्ध सभी साधनों का उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सकता है। तो ये हमारी समस्याएँ हैं। सबसे पहली हमारी कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट यू प्रोड्यूस। पहले हमें देख लेना है कि हमारे देश में आधारभूत समस्या से निपटने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, उनकी पूर्ति हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। अगर हो पा रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रही है तो हमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनका उत्पादन करना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा यही है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हमें तरीके सोच लेने हैं कि हमें कैसा उत्पादन करना है। या तो आप दो तरीके इसमें बताएं। पहला तरीका ये है कि आपके पास बहुत सारी खेती है, बहुत थोड़ा सा पैसा लगा दीजिए और थोड़ा सा श्रम लगा दीजिए, आप उससे उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास
थोड़ी सी खेती है लेकिन आप पैसा उसमें खूब सारा लगाइए, उसमें श्रम लगाइए, उसमें आप अच्छे बीजों का इस्तेमाल कीजिए और आप उससे उत्पाद प्राप्त करिए। तो ये दो तरीके हैं, आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड है, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। हमें पहले देख लेना है कि किन लोगों के लिए हमें उत्पादन किया जाए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के पास बहुत सीमित साधन होते हैं, उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। अगर हम उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उत्पादनों की हम हानि कर बैठेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि साधनों का पूर्ण उपयोग, हमें देख लेना है कि साधनों का अच्छी तरीके से उपयोग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, हाउ टू स्पीड अप प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी देश को उसके पास मौजूद साधनों का उचित उपयोग अनिवार्य है, परंतु हर राष्ट्र की निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्फ यह काफ़ी नहीं है। हमारे पास उपलब्ध साधनों में कैसे वृद्धि हो और हमें इसे कैसे ध्यान देना होता है, हमें निरंतर नए नए साधन खोजने होते हैं ताकि राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति हो पाए। देखिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो, हमारे पास जो साधन है वो तो हमें देखना ही है, लेकिन उन साधनों के अलावा भी हमें दूसरे नए साधन खोजना है जो इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकें, यानी कि इनका साथ दे सकें। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवसर लागत पर। तो अवसर लागत क्या होती है, तो अवसर लागत की अवधारणा आर्थिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह उत्पादन की प्रत्येक इकाई के लिए चाहे वह ग्रस्त हो या फिर फर्म या सरकार बहुत महत्व रखती है। देखिए यह उत्पादन की प्रत्येक इकाई, कोई भी इकाई हो उत्पादन की, चाहे वो घरेलू हो या फिर फर्म की हो या फिर सरकार की हो, सबके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसमें अवसर लागत पर विचार करना जरूरी है। जो भी हम निर्णय लेते हैं उसमें अवसर लागत पर विचार किया जाता है। अवसर लागत से मतलब यह है कि उत्पादन साधन सीमित हों और प्रत्येक साधन के वैकल्पिक प्रयोग संभव हों। जब किसी विशिष्ट साधन को एक विशेष वस्तु का उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो वह साधन किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने का अवसर खो देता है। देखिए वस्तु का उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो वह साधन किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने का अवसर खो देता है। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अवसर लागत होती क्या है। तो वह लागत जो उत्पादन के एक विशेष साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में बने रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। वह लागत जो उत्पादन के एक विशेष साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में बने रहने के लिए प्रेरित करती है अवसर लागत कहलाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अवसर लागत सिद्धांत की सीमाएं और आलोचनाएं। देखिए अवसर लागत सिद्धांत की सीमाएं या फिर आलोचनाएं, तो इसका पहला पॉइंट है हमारा, यह सिद्धांत विशिष्ट साधनों पर लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत विशिष्ट साधनों के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि इन साधनों का प्रयोग केवल एक ही कार्य विशेष के लिए किया जाता है। इन साधनों की अवसर लागत शून्य होती है। तो यह सिद्धांत विशिष्ट साधनों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है मान्यताएं अवास्तविक हैं। यह सिद्धांत इस अवास्तविक मान्यता पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन किसी कार्य के कोई विशेष रुचि या पसंद नहीं रखते और उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता गलत है। यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जबकि व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं मानी जाती। देखिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेखाचित्र की सहायता से आपको अवसर लागत को समझाना है, तो इसका रेखाचित्र भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु ए ले ली, वाई एक्सिस पर हमने वस्तु बी ले ली। तो ये डायग्राम है, ये आपको बनाकर आ जाना है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु ए ले ली है, बाय एक्सिस पर हमने वस्तु बी ले ली है। देखिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है उसमें साधन सीमित होते हैं। ठीक है, सीमित साधन होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, लेकिन हमें उस अर्थव्यवस्था में उन सीमित साधनों का अच्छी तरीके से उपयोग करना होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु ए ले ली, बाय एक्सिस पर हमने वस्तु बी ले ली। ये हमने रेखाचित्र बना लिया है अवसर लागत का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।